इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि छेड़खानी के आरोपों में घिरे जेडीयू विधायक सरफराज आलम के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस में एक महिला ने सरफराज पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने कहा है कि कानून उन पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। ये हमारी आचार संहिता है पार्टी की कि अगर इस प्रकार के गैर कानूनी हरकत में पार्टी का कोई सदस्य, चाहे वो विधायक हो या किसी बड़े पद पर सांसद हो, किसी बड़े पद या मंत्री हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ आचार संहिता समान रूप से लागू होती है। और जब ये घटना प्रकाश में आई तो उसी समय हमसे सरफराज आलम ने हमारे ऑफिस में फोन किया था, मेरे ख्याल से 18 को, हमने 19 को समय दिया था। जब वो 19 को नहीं आए तो मुझको लग गया कि मामला जरूर कुछ है, और पुलिस को पूरी आजादी है, वो पूरा अपना काम कर रही थी, और इस प्रकार के आचरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हम लोग आज ही पार्टी के अंदर भी, जहां तक सवाल है कानूनी कार्रवाई, वो तो कार्रवाई चल रही है, और उसके लिए बिल्कुल जो हमारी एजेंसी है, जांच की एजेंसी है, उनको पूर्ण अधिकार है, वो अपना काम कर रहे हैं। एक एक चीज के बारे में जो कुछ भी सबूत और प्रमाण है सबको जुटा करके, और वो कार्रवाई अपने तरीके से चल रही है और वो तार्किक परिणति तक जाएगी। जहां तक सवाल है इस आचरण का, इस आचरण के मद्देनजर उन पर कार्रवाई होगी। और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बातचीत 2 दिन पहले हो चुकी है, और आज हम लोग बैठ करके इस विषय पर निर्णय भी लेंगे।